वही मंच है जहाँ पे हर बार पैर रखने से पहले मुस्कान की, दिल की धड़कनें एकदम बंद हो जाती है, क्योंकि ये ऐसा एक ब्लैक डार्क पास्ट है उसका, जिस गली जाने में हर बार मुस्कान झिझकती है, पर इस बार वो थोड़ा कॉन्फिडेंटली गई है क्योंकि उसने एक्सेप्टेंस जो होता है वो हो गया है, अब उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि उसकी बेटी को बचाने के लिए माँ और बाप दोनों का फ़र्ज़ उसे ही निभाना पड़ेगा, क्योंकि उसने रौनक और उसकी हंसती खेलती खुशहाल ज़िंदगी को देखा बहुत करीब से। घूंघट में गई थी वो घर में, निशा ने बहुत चैलेंज किया है मुस्कान को, ओपनली चैलेंज किया है, तो अब उसको उसके सामने सिर्फ एक ही है जो है रोशनी, और रोशनी की ज़िंदगी बचाना, तो उसके लिए ये कर रही है ये काम। और बाबूजी को वॉर्न करके गई है कि 11 बजे मेरा आउट टाइम है, 11 बजे मैं निकल जाऊँगी, मेरी बेटी का ख्याल रखना है मुझे। तो शी इज़ यू सी अ न्यू डिफरेंट साइड ऑफ हर, पर साथ ही साथ एक और सरप्राइज़ यहाँ पर ये मिलने वाला है कि रौनक मुस्कान को देखने वाला है। अभी तक मुस्कान ने रौनक को देखा है, अब रौनक मुस्कान को देखने वाला है। तो बहुत टाइम पहले जब मुस्कान एक डांस कर रही थी और रौनक ने उसको पहली बार देखा था, तब एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, रौनक उसको उठा कर ले गया था। तो आज क्या सेम चीज़ रिपीट होने वाली है, सेम पोज में लटका के लेके जाने वाला है कि नहीं, वो आप ज़रा देखो, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ मारधार भी होने वाली है हमने सुना है, मतलब कुछ शायद जब पहली बार रौनक मुस्कान को कोठे में देखा था डांस करते हुए, तो ऐसे फुल एटीट्यूड में उसको उठा के बहुत सारे शेख वेख सबको बाउंसर्स को गोलियों से डर 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 पीछे हटा के निकल गया था। इस बार कौन सा वेपन होगा और कैसे किस स्टाइल में निकलेगा वो आपको देखना है, पर मुझे लग रहा है, मुस्कान को लग रहा है कि रौनक मुस्कान को देखकर उसको वहाँ रहने नहीं देगा।